आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी सदस्यों का भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पूर्व चेयरमैन आदरणीय श्री जगदीश चोपड़ा जी पहुंचे हैं, आपका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उसको बाहर निकालो, सभी का मास्क लगा होना कोई भी हो, और उसका चलान भी करो। आदेश है ना बिना मास्क के चलान करने के, मुझे नजर आ रहे हैं दो आदमी बिना मास्क के। अगर मार दी 2010 में, हाँ जी, अच्छा जी, और फिर मैं मुकदमा दर्ज कर दिया पुलिस ने, मुकदमा दर्ज कर दिया, और आपने मैं तारीख पे तारीख मिलती है पर इंसाफ नहीं मिलता। हाँ जी, मैं आपसे उम्मीद ले लिया कारी 2010 11 साल बताओ सर, इनकी कंप्लेन के ऊपर केस रजिस्टर हुआ और उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन। डेथ कब हुई? 2010 में सर। 2010 में केस दर्ज कब हुआ सर? 2015 में। क्यों सर ये जो मैटर 2010 में जब डेथ हुई तो पोस्टमार्टम हुआ होगा? हाँ सर, पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम हुआ सर, उसके अंदर जो पोस्टमार्टम करवाया गया उसमें पहले जो बयान दिया गया था, पोस्टमार्टम का जो होता है उसका रुका कंसर्न थाने में जाता है। जी सर। और रुका गया था? जी सर। उस रुके पर क्या कार्रवाई की? उस रुके के ऊपर हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है सर वो गए, हाँ, वहाँ जाके इनकी स्टेटमेंट ली। हाँ जी। तो स्टेटमेंट में उन्होंने लिखाया कि इस लड़की की जो डेथ है, हाँ, वो हार्ट अटैक से हुई है। इन्होंने लिखवाया जो इन्होंने लड़की की माँ और लड़के का मामा सर हैंगिंग किस चीज से हुई है? हैंगिंग सर चुन्नी कान चुन्नी सर, इसकी जो है वो पर्जेंट में गई थी सर, लेकिन वो अपने थाने में प्रेजेंट रही है। लास्ट टाइम भी एक बार हुआ था, किसने कब्जे में ली थी? से जब ली थी तो जो सामान रिकवर किया गया उसमें इंद्राज है कि चुन्नी ली गई? उसके अंदर जो उसने फल बनाई थी दर्जन रिकवरी मेमो में चुन्नी दिखा रखी है सर, लिखी हुई है रिकवरी चुन्नी लिखी हुई है। हाँ सर, लेकिन जो थाने के अंदर वो जमा नहीं कराएगी उस संदर्भ में सर, उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन लिया हुआ है। क्या एक्शन लिया? और उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है 11 साल उसको अभी 11 साल 11 साल का अब तय नहीं कर सके कि चुड़ी चुड़ी जमा हुई पहुंच गई। ग्यारह साल में आप डिसाइड नहीं कर सके कि चुन्नी क्यों नहीं जमा हुई, जब चुन्नी वहां फर्ज में लिखी हुई है उसमें रबड़ में, तो चुन्नी जमा क्यों नहीं हुई? कौन है वो, क्या नाम है उसका? केस आई सुबह से सस्पेंड करो सर। आपने तो केस का वही खत्म कर दिया सारा, जब आपने एविडेंस ही खत्म कर दिया और उसके ऊपर केस दर्ज करो जी, एविडेंस खत्म कर दिया डेलिबरेटली, एविडेंस को खत्म करने का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करो। जब 10 में आपने पोस्टमार्टम करा लिया तो उसी दिन क्यों एसपी साहब एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए एफआईआर? जब आपका पोस्टमार्टम हो गया और पोस्टमार्टम होता ही एफआईआर दर्ज होने के बाद सर, वो जो जो पोस्टमार्टम हुआ ना जी सर, तो उस दिन एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? सर वो जो पुलिस की जो प्रोसीडिंग होती है वो सारी की गई थी, लेकिन क्योंकि केस जो हैंगिंग का था और सुसाइड अटेम्प्ट का था, हैंगिंग का हो या सुसाइड अटेम्प्ट का हो, तो उसमें एफआईआर तो दर्ज होती है। नहीं सर, जो ये फाइल के रकम में एफआईआर दर्ज नहीं, नहीं तो फिर आपने जब पोस्टमार्टम थाने का डिसीजन ले लिया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई दो दिन बाद आ गई होगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई सर उसके अंदर सुसाइड का आया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। हाँ सर, बाद में जब तस्दीक की गई तो इनसे उन्होंने ये कहा कि हमने तो ये जो जो बयान दिए थे
इसके हार्ट अटैक के, वो इसलिए दे दिए थे कि ताकि जवान लड़की है और वो समाज में बदनाम ना हो, अगर क्यों कर दीजिए तो टाइम की अफेयर नहीं दर्द होती और अगर उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता है वो भी जुर्म है, उसकी तब फीस होगी। और आपने एफ आई आर दर्ज नहीं की 2010 में, किसने एफ आई आर दर्ज कर दी, किसके पास केस था? वही वाला सेम जो जिसकी वो चल रही है उसके ऊपर ये भी केस लगा। उन्होंने आपको बताया कि हमने उतारा उसको? जी सर। नहीं, उन्होंने तो बताया ना हार्ट अटैक। सर उस टाइम उन्होंने हार्ट अटैक बताया, उसके बाद हार्ट अटैक बताया, एविडेंस को छुपाया, पकड़ा आपने उनको? उसके बाद में जब आप उनको पकड़ा नहीं पकड़ा, उन्होंने क्यों छुपाई ये बात? उन्होंने ये बात क्यों छुपाई कि किसने उतारी लड़की, कहां से उतारी, कहां बंदी हुई थी, कहां लटकी हुई थी? वाई द मिस गाइडेड थी पुलिस? आपने गरीब के खिलाफ भी कार्रवाई करो, कार्रवाई आज करो, शाम तक मेरे माला पहुंचने तक मुझे खबर आनी चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बनती है ना कार्रवाई? कोई मिसगाइड करता है, गलत इंफॉर्मेशन देता है, छुपाता है, उन्होंने छुपाया इस बात को। अगर उनकी बात ठीक मानी जाए, अगर हैंगिंग है, मैं तो डाउट करता हूं कि हैंगिंग हुई नहीं, क्योंकि हैंगिंग होती तो चुन्नी होती, चुन्नी नहीं है तो चुन्नी थी ही नहीं, चुन्नी तो आपने रिपोर्टों में बनाई, चुन्नी थी नहीं वहां, चुन्नी होती हैंगिंग होती वो बताते, उसी वक्त एविडेंस कलेक्ट किए जाते, चुन्नी भी ली जाती, सारा कुछ होता, लेकिन फैक्ट्स को छुपाया गया। शाम तक कार्रवाई थी, ये पुलिस मिली हुई है सर। मैं अनिल विजु, मेरा नाम ठीक है ना? सुने सर, मेरे नाम से रात को उठ के पेट भी भाग जाते हैं। बिल्कुल सर, न्यायकारी ये बात मानेंगे ठीक है ना? कोई फरियाद नहीं किया। शाम तक कार्रवाई की,